आज है आप आमनाज किचन पे और आज आप बना रहे हैं होममेड केक रस और ये है 1/4 कप शुगर, 3 eggs, 1/2 cup ऑयल या घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर 1 tablespoon, 1 cup फ्लोर फाइन फ्लोर एंड कलर, राइट। अब हम इसको मिक्सअप करेंगे। अब ये ऑयल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, 1/2 cup ऑयल एंड शुगर। फर्स्ट वी मिक्स इट, अच्छा। अब आप देखिए ये एक क्रीमी सी लुक आ गई है, राइट। अब हम इसके अंदर 1 by 1 एग डालेंगे। इस तरह आपने 3 अंडों को इसके अंदर 1 by 1 मिक्स करना है। हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे, एग को दोबारा डाल के। ये हमने एग के बाद हमारे पास मिक्सचर ये तैयार हो गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा कलर डालेंगे। आपने ये मैदा जो लिया हुआ है इसको स्टेन कर ले और इसमें आपने 1 tablespoon बेकिंग पाउडर डाल लेना है, राइट। और उसको स्टेन कर ले। फ्लावर आपने इसके अंदर डाल देना है। और मिक्स इट अगेन। सफाई का आपने बहुत ख्याल करना है क्योंकि सफाई निसब ईमान है। मिक्स इट वेल। Now you can see the material and now it is cut here. ये मैंने पैन तैयार किया है, आप देख रहे हैं। इसको मैंने ऑयल और मैदे के साथ कोटिंग की है और ये आपको प्रोटेक्ट करेगा कि आपका केक जो है ना वो ना लगे, ठीक है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी।
अब मैंने इसको इस पैन में डाल लिया, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसको जो कि आप मेरी पहली वीडियो में देख चुके हैं। आपने इसको 180 डिग्री पे रखना है, राइट। और ये हमारा 180 डिग्री पे है, अभी थोड़ी देर तक हम इसको, जब केक बेक हो जाएगा, हम इसको निकालेंगे और इसको पीसेस काटेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा केक तैयार है। अब हम इसके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके पीसेस करेंगे। ये देखिए अब हमारा केक तैयार है, अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। ठंडा हो जाएगा तब आपने इसके पीसेस करने हैं और इसको आपने 20 मिनट्स के लिए आपने एक साइड को ओवन में रखना है, बेशक होम मेड रख लें, बेशक माइक्रोवेव, या फिर आप जो स्टोव ओवन होता है उसमें रख लीजिएगा। अभी मैं इसको 20 मिनट्स के लिए ओवन में दोबारा रखने लगी हूँ। 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको ओवन में रख दिया है। ये देखिए अब ये केक रस रेडी है और ये देखिए।